नमस्कार, मैं प्रिया बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के रतनगढ़ से है, जहां आज से नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है तथा जगह जगह पर गंदगी ने पैर पसार लिए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि विगत कई सालों से उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि जो भी कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत हैं उनका वेतन बढ़ चुका है तथा इन कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में नगर पालिका अधिकारी महोदय को लिखित में जानकारियां भी दी गई हैं, परंतु उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी कारण आज से सफाई कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर जा चुके हैं और आज से सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। और इन सफाई कर्मचारियों ने लिखित में आवेदन किए और कुछ सवालों के जवाब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मांगे हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, जनसेवक को डिप्लोमा कहाँ से मिलता है? दूसरा, फर्जी डिप्लोमाधारी नगर पालिका में बिना परमिशन कितने वर्ष का अवकाश ले सकता है? तीसरा, दैनिक वेतन कर्मचारी को सवेतन डिप्लोमा का अधिकार है? नियम बताइए। चौथा, फर्जी डिप्लोमा से सीएमओ द्वारा वेतन किस नियम से बढ़ाया गया? पांचवा, बिना विज्ञप्ति निकाले डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति कैसे हो गई? इन सभी सवालों के जवाब मांगते हुए सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ को घेरा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो विपिन जोशी की खास रिपोर्ट। हम लोगों की ये सफाई सफाई कर्मचारी की ये मांग है कि ये लोग 8-9 साल से सफाई काम कर रहे हैं, ये इन लोगों के बाद में लगने के बाद 3 साल हुए भी उन लोगों को, ऑफिस वर्कर को, और उनके फर्जी डिप्लोमा लगा लगा के उनकी सैलरी इनसे ज्यादा बढ़ा दी गई, और ये लोग अभी तक सिर्फ 7,000-8,000 में काम कर रहे हैं और उन लोगों को 10 से 11 हजार के बीच में सैलरी दी जा रही है। तो इसके संबंध में आपने उच्च अधिकारी, कलेक्टर या जिला प्रशासन को सूचित करा? हमने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया था और सीएमओ साहब को हमने दो तीन बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब हम डिप्लोमा की इनकी कॉपी मांगते हैं तो हमें ये डिप्लोमा नहीं बताते। क्या आश्वासन दिया जाता है प्रशासन द्वारा? हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं देता और ना हमें डिप्लोमा बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई पीएफ ऐसा कोई करता नगर पालिका क्षेत्र से आपके? कोई तनखा के अंदर कोई कटौती होती है क्या? कुछ कटौती नहीं थी, जब से लगे तब से इनका ना तो पीएफ कटता है, ना इनका कोई शुल्क कटता है, ना कुछ नहीं करता है, जो सैलरी आती है वो बस आती है। तो आपने इसके लिए सीएमओ साहब से या किसी अन्य अधिकारी से चर्चा करी या नहीं करी? हमने बहुत सी बार सीएमओ साहब को अवगत करवा दिया है, कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत करवाया था, लेकिन हमें बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, थैंक यू। नाम बताओ, आपका नाम बताओ। कमल चबरीवन, आईटी सेल, जिला अध्यक्ष। ठीक है, ठीक। डिप्लोमा ये गया तो हमने बोला नहीं, हम कहाँ से लाएं? तो सीएमओ साहब ने बोला कि डिप्लोमा लेके आओ, फिर जाके आगे हम बात करेंगे। तो हम कहाँ से लाएं, फिर आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे? आपका नाम? अनीता चबरीवन।